नमस्कार, यदि आपने अभी तक नमस्ते भारत चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे नए खबरों की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। सिक्स लेन एलिवेटेड रोड का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 709 के अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे जंक्शन तक 2820 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 31.3 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे के शिलान्यास समारोह में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या आम हो गई है। बढ़ती जनसंख्या के लिए सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराना भारत सरकार की प्राथमिकता में है। इन समस्याओं के निराकरण हेतु विभिन्न परियोजनाओं जैसे दिल्ली मेट्रो का विस्तार, रैपिड रेल परियोजना एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के सिग्नल मुक्त कॉरिडोर बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है। दिल्ली में यातायात के सुचारू संचालन के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का प्रथम चरण एवं दिल्ली गुड़गांव राजमार्ग पर अतिरिक्त फ्लाईओवर व अंडरपास निर्माण का कार्य पूर्ण कर तेज गति यातायात और प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग के विकास हेतु अभी प्रारंभ होने जा रही है 2 परियोजनाएं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के अक्षरधाम जंक्शन से प्रारंभ होकर गीता कॉलोनी, सीलमपुर, शास्त्री पार्क, खजूरी खास, बिहारीपुर, वजीराबाद, करावल नगर, लोनी, मंडोली, रुमावी कला आदि को जोड़ते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन तक एक सिग्नल मुक्त तेज गति यातायात को सुनिश्चित करेगी। यह एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे रहेगा, जिसका प्रवेश एवं निकास हेतु प्रमुख मार्गों से इंटरचेंज बनाए जाएंगे। इस राजमार्ग पर गति की सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और बिना रुकावट सुचारू यातायात सुनिश्चित किया जाएगा। इस परियोजना के दिल्ली स्थित प्रथम चरण की कुल लंबाई 14.75 किलोमीटर होगी। इस खंड में गीता कॉलोनी से लेकर खजूरी खास तक 7.00 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड होगा। राजमार्ग पर स्थानीय यातायात के लिए दोनों ओर 3 लेन की सर्विस और पैदल यात्रियों एवं छोटे वाहनों के लिए 5 अंडरपास बनाए जाएंगे। यह राजमार्ग दिल्ली शाहदरा एवं नई दिल्ली आनंद विहार रेलवे लाइन और शाहदरा ISBT मेट्रो रेड लाइन को पार करेगा। इस भाग में 10 बड़े व 15 छोटे जंक्शन का विकास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में योजना के द्वितीय चरण की लंबाई 16.57 किलोमीटर होगी। इस भाग में मावी पोस्ता पुलिस चौकी से मावी गांव तक 12.20 किलोमीटर लंबाई का भाग एलिवेटेड होगा। इस भाग में 3 अंडरपास का निर्माण किया जाएगा, 5 बड़े जंक्शन व 19 छोटे जंक्शन का विकास किया जाएगा। वाहनों के सुचारू संचालन और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना के अंतर्गत हाईवे के दोनों ओर सर्विस लेन बनाई जाएगी। तेजी से चलने वाले वाहन सिर्फ मुख्य हाईवे पर चलेंगे, जिससे ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं को कम किया जा सकेगा। यातायात को नियंत्रित करने के लिए तैयार की गई ये परियोजना इस तरह की पहली महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसमें 19.20 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है। धन्यवाद। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट रोड, बट द नेशन। इन दोनों समस्या को सुलझाने का एक रूप से आभार। हमारे भारत सरकार ने, आप दिल्ली के सांसदों ने, दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की कॉरपोरेशन ने, सबने मिलकर यह स्वीकार किया है कि हम इस समस्या को सुलझाएंगे। और मुझे इस बात की सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए दिल्ली में हर रोज 5.5 लाख वाहन चलते हैं, इससे करीब 1.5 लाख व्यावसायिक वाहन है। और इसलिए हमने जो योजनाएं तैयार की है, जो केवल मेरे डिपार्टमेंट ने की है, उसमें ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल इस रिंग रोड को लगभग पूरा हुआ है। 135 किलोमीटर का ईस्टर्न पेरिफेरल जो था, उसके ऊपर मेरे विभाग ने 12,000 करोड़ खर्चा किए। जो द्वारका एक्सप्रेस वे है 28 किलोमीटर का,
इसका आने वाले सप्ताह में हम प्रधानमंत्री जी को समय मांग रहे हैं। ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे की हम शुरुआत करने जा रहे हैं जिसकी कीमत 10,000 करोड़ रुपए है। ये अक्षरधाम से लोनी बागपत शामिल रोड के बारे में हमने बार बार मुझे कहा। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखता था कि ये हाईवे हमको हैंडओवर कर दो, पर उस समय के सरकार ने नहीं दिया। नई सरकार आई, हमको एजेंसी मिला और हमने सत्यपाल सिंह जी की मांग पूरी की और रोड के कार्य का शुभारंभ किया। पर आज ये रोड बनने से देहरादून तक, बागपत तक, उसके आगे जाने तक सुविधा प्राप्त होगी। हमने दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस हाईवे करने का निर्णय किया। दिल्ली के भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि यह 90 किलोमीटर का रोड है और इसके ऊपर हम 7,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। इसमें से पहला 14 लेन जो आपको हमने समर्पित कर दिया, जिसके कारण रोड आपको पता है कितना अच्छा है। अब आगे भी काम शुरू है और मैं वादा करता हूं 1 अप्रैल नाम लेने को मैं अप्रैल फुल नहीं बना रहा हूं। 1 अप्रैल के पहले दिल्ली से मेरठ आने के लिए 3.5 घंटा लगता है। मैं आपको वचन देता हूं कि 1 अप्रैल के बाद आप केवल 40 मिनट में दिल्ली से मेरठ पहुंच जाएंगे। ये भी काम 8 मई तक पूरा होगा। जो UER Phase 2 है, न्यू रिंग रोड दिल्ली का, इसके ऊपर भी हम 4,000 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे। मुकरबा चौक से पानीपत काम शुरू है, 2300 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। दूसरा मेरा प्रिय रोड है क्योंकि रोज में ट्रैफिक जाम में आप फंसता हूं, वो धौला कुआ से एयरपोर्ट कैरिडर का 280 करोड़ का, वो भी काम शुरू है। इससे बहुत तकलीफ होती है, ये भी काम आने वाले 4 महीने के अंदर पूरा होगा और ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। कालिंदी कुंज फरीदाबाद बल्लभगढ़ सोना, ये 7 किलोमीटर का रोड है जिसके ऊपर हम 4,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। गुरुग्राम से सोना 6 लेन 22 किलोमीटर 2,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा ईस्टर्न फेरिबल एक्सप्रेस हाईवे बन जाने के बाद दिल्ली में जो पंजाब हरियाणा कश्मीर उत्तराखंड हिमाचल, यहां से लोग जो गाड़ियां आती थी वो दिल्ली के बीच में से जाती थी। कहीं जाना हो, राजस्थान जाना हो, उत्तर प्रदेश जाना हो, अब इन राज्यों को दिल्ली के अंदर आने की जरूरत नहीं, बाहर से बाहर जाने की सुविधा प्राप्त होगी। और इसलिए दिल्ली के वाहन प्रदूषण में अब 27% कमी आई है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। NH1 दिल्ली अमृतसर 38% ट्रैफिक कम हुआ दिल्ली का। NH2 फरीदाबाद मथुरा 37% ट्रैफिक कम हुआ। NH91 दिल्ली इटावा 11% ट्रैफिक कम हुआ। NH24 दिल्ली हापुड़ 6% ट्रैफिक कम हुआ। NH8 दिल्ली जयपुर 17% ट्रैफिक कम हुआ है। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से गाजियाबाद नोएडा तक का 15.5% ट्रैफिक। आप सबसे आह्वान करूंगा कि दिल्ली ये बदल रही है और दिल्ली का प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कम करना ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। नए रिंग रोड का भी निर्माण कर रहे हैं हम लोग, एयरपोर्ट का भी, दिल्ली मानेसर कॉरिडोर को भी हमने बहुत प्राधान्य से लिया, उसका भी काम तेजी से चल रहा है। तिराह फ्लाईओवर परेड रोड तिराह में अंडरपास बनाया जा रहा है। धौलापुरा से एयरपोर्ट का रास्ता सिग्नल फ्री हो जाएगा और रंगपुरी बाईपास ये भी बनाया जा रहा है, इसमें द्वारका एक्सप्रेस वे पर इंटरेक्शन दिया जा रहा है। शिवमूर्ति के पास नेशनल मंडला मार्ग से वसंत कुंज को जोड़ा जाना है, इसका भी DPR बना है। NH8 पर 10,000 करोड़ रुपए लागत से 30 किलोमीटर लंबे 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का ये 3 टेंडर हो गए हैं, इसका भूमि पूजन हो गया, इसके भी काम की शुरुआत कर रहे हैं। NH8 पर यहाँ एक्सप्रेस वे शिव मंदिर से शुरू होकर द्वारका होते हुए NH8 पर खेती धोला के पास आता है। एक्सप्रेस वे का कार्य हरियाणा खंड में शुरू है और दिल्ली खंड का काम भी शुरू हो जाएगा।
एनएच 8 को भी हमने जाम से मुक्त किया है। 1000 करोड़ रुपए के काम लगभग पूरे हुए हैं। इको चौक, सिग्नेचर चौक, राजी चौक पर 504 करोड़ की लागत से निर्माण का कार्य पूरा हुआ है। एमबीएस मॉल और शंकर चौक पर फ्लाईओवर पर यूटर्न निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। इसके बाद बुकरवा चौक से पानीपत 2180 करोड़ रुपए लागत से सड़क के निर्माण कार्य तेजी पर है। यह कार्य जून 2019 तक पूरा हो जाएगा। 2743 करोड़ की लागत से पानीपत से जालंधर तक 6 लेन का कार्य निर्माण कर रहे हैं। गुरुग्राम से जो सोना रोड है उस पर 2000 करोड़ की लागत से गुरुग्राम से सोना 6 लेन एलिवेटेड का निर्माण हो रहा है। बादशाहपुर से भोड़सी तक 5 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। ये भी कार्य 2019 में शुरू हो जाएगा। दिल्ली मेरठ में निजामुद्दीन ब्रिज से यूपी गेट तक का पैकेज 1.9 किलोमीटर 2018 में पूरा हुआ, जो प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया। दिल्ली यूपी गेट से दासना पैकेज 2 20 किलोमीटर 2500 करोड़ 85% काम पूरा हुआ। दासना अपोल फुलकुआ में 6 लेन 5 किलोमीटर ये भी 75% काम पूरा हुआ है, जो करीब 1200 करोड़ का है। दासना से मेरठ ये 2300 करोड़ का 32 किलोमीटर 50% काम पूरा हुआ है, बाकी काम शुरू। मेरठ कनेक्टर का काम 600 करोड़ का ये नवंबर में पूरा होगा, इसकी निविदा प्रक्रिया पूरी हुई है। दिल्ली सहारनपुर मार्ग जो है इसके 4 पैकेज है। इस मार्ग को दिल्ली से यूपीए तक 6 लेन एक्सिस कंट्रोल बनाया जा रहा है। पैकेज 1 और 2 का शिलान्यास आज हो रहा है। मैं सत्यपाल सिंह जी को, मनोज तिवारी जी को, वीके सिंह जी को, महेश गिरी जी को बार बार इसके लिए प्रयास के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अक्षरधाम, गीता कॉलोनी, शास्त्री पार्क, सीलमपुर, वजीराबाद, खजू निकास, करावल नगर, बिहारीपुर लोनी, भेगेकड़ा, मंडोला, बाईकला से दिल्ली बागपत मार्ग पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा। पैकेज 3 और पैकेज 4 का शिलान्यास सितंबर 2018 में हुआ है। दिल्ली से अगर मुंबई जाना चाहते हैं तो अब समय नहीं लगेगा। हम दिल्ली और मुंबई के बीच में देश का सबसे बड़ा 12 लेन का एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण कर रहे हैं। आप केवल 12 घंटे में मुंबई पहुंच जाओगे और इससे नया रोड बना रहे, इससे 120 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो जाएगा। मुंबई जाने के लिए जो दिल्ली सूरत अहमदाबाद रोड था उसके बजाय गुड़गांव से जयपुर रिंग रोड तक, जयपुर से सवाई माधोपुर और वहां से आगे हमारे रतलाम, झाबुआ से होकर घोड़ोगरा और घोड़ोगरा से होकर, ये हाईवे की विशेषता ये है कि बैकवर्ड एरिया ऑफ राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ट्राइबल और पिछड़े हुए क्षेत्र से ये जा रहा है। 120 किलोमीटर की बीट है। लैंड एक्विजिशन का कार्य लगभग पूरा हुआ है और मुझे खुशी हो रही है कि वडोदरा से मुंबई 44,000 करोड़ के निर्माण कार्य का प्रारंभ भी हो चुका है और अब दिल्ली से गुड़गांव से जो शुरू हो रहा वो भी अगले महीने में हम प्रधानमंत्री के हाथ से इसका शुभारंभ करने की कोशिश कर रहे हैं और 2.5 साल में ये रोड पूरा हो। हम जो दिल्ली मुंबई अगर सूरत वडोदरा अहमदाबाद रोड से जाते हैं तो लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट करीब 7.5 करोड़ रुपए पर हेक्टर आती, पर हम पिछड़े हुए क्षेत्र से जा रहे हैं, हमने डिस्टेंस भी कम किया और एक ही रोड प्रोजेक्ट में हमने 16,000 करोड़ रुपए की बचत लैंड एक्विजिशन में की है। भाइयों, हमारे डिपार्टमेंट में हमने अभी तक 10,00,000 करोड़ से ज्यादा काम किया है। पूरी तरह से क्वालिटी के प्रति हम कटिबद्ध हैं और कोई भी ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर को ठेका लेने के लिए हमारे ऑफिस में आना नहीं पड़ता। 1 रुपए का करप्शन नहीं है, पूरी ट्रांसपेरेंसी, टाइम और डिस्ट्रीब्यूशन और करप्शन फ्री सिस्टम, ये इसकी विशेषता है। हरियाणा में सोनीपत और पानीपत में 2 प्रोजेक्ट पूरे किए, 1 प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में पूरा किया है।
और दिल्ली को मेरे विभाग की ओर से नमामि गंगा की ओर से हमने 4,500 करोड़ रुपए दिए और 13 भी काम शुरू हो गए हैं। और मैं आपको विश्वास देता हूं कि आने वाले 1.5 साल के अंदर यमुना अविरल भी होगी, शुद्ध भी होगी और आप यमुना का पानी पी सकेंगे, इतनी अच्छी होगी। ये मैं आपको बता देता हूं। यमुना के साथ साथ हम गंगा के 40 उपनदी और ट्रिब्यूटरीज में काम कर रहे हैं। हमारे जल शुद्धिकरण के कार्यों का शुभारंभ किया। मथुरा में तो हमने गंदा पानी भी बेच दिया, 19 करोड़ रुपए साल के अंदर रॉयल्टी मिलेगी इंडियन ऑयल। और इसलिए बहनों और भाइयों, सबसे खुशी की बात है कि इस समय प्रयागराज में इलाहाबाद में हमारे भक्त साधु संत स्नान कर रहे हैं। तो मुझे सैकड़ों फोन आए हैं कि आज देश के इतिहास में पहली बार आज प्रयागराज में गंगा शुद्ध है, स्वच्छ है, निर्मल है। गंगा मुकेश जो है गायक, उनके लड़के नितिन मुकेश वो गाना गा रहे थे और उनने मुझे रोका। सर क्या गाया? और रोक कर उनने गाना गाया मुकेश जी का, इस देश में गंगा बहती है। और वो इतना खुश हुए कि इस बार हमारी गंगा निर्मल बनी है, अविरल बनी है। हमने 20 लाख के फ्लो भी बढ़ा दिया है। यमुना गंगा उपनदिया सब जगह काम शुरू है, 26,000 करोड़ रुपए के काम शुरू है। इसी साल 5 अप्रैल मई में गंगा अविरल होगी और अगले मार्च तक गंगा 100% शुद्ध होगी, निर्मल होगी, अविरल होगी। ये मैं आपको वचन देना चाहता हूं। पर गंगा को शुद्ध करना होगा तो यमुना को भी शुद्ध करना होगा। और एक सपना मेरा है, मैं शायद इसी 5 के पहले वो पूरा करूंगा। इसी यमुना में यहां से मैं ताजमहल पानी से जाना चाहता हूं। और मनोज जी आपको भी साथ लेकर विजेंद्र जी, विजय जी आप सबको लेकर जाऊंगा। हमने रशिया से एक एयरबोट लाई है जिसका इंजन जो है वो लैंड क्रूजर जो गाड़ी है उसका है, जो प्रॉपलर है, पंखे जो है वो हवाई जहाज के हैं। 10 सेंटीमीटर ड्राफ्ट में जब पर अवर 80 किलोमीटर की स्पीड है। वाराणसी से इलाहाबाद हम उसकी सर्विस शुरू के बाद आने वाला साल ऐसा होगा, नया साल। आज देखता हूँ जिस प्रकार के लोग यहाँ आए उनके दिलों की खुशी बता रही है कि शायद किसी ने जमुना पार का दर्द को समाप्त करने की शुरुआत में की है। आज के दिन गडकरी जी ने शिलान्यास किया है। आज से ठीक 15 महीने बाद हम इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में करेंगे। आज यहाँ पर देश की सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी आए थे और इन्होंने अक्षरधाम से गीता कॉलोनी, शास्त्री पार्क, खजूरी चौक, करावल नगर, शामली होते हुए, बागपत होते हुए सहारनपुर तक की जो एक बड़ी नेशनल हाईवे जिसका नंबर है 709B उसका उद्घाटन किया। 4405 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, 2 वर्ष में ये पूरा होगा लिमिटेड टाइम में। और इतना जो जाम से कढ़ा रही थी हमारा क्षेत्र, उसको बहुत बड़ी राहत मिली है।